हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को करते करते हमें ये देखना है कि ब्लैक सॉइल कहाँ पे है, हमें ये भी रिमाइंड हो जाएगा। सॉइल का भी हम रिमाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आईवी कैसे आपकी लोकेट करनी, तो कुछ इस तरह से आएगा कि लोकेट एंड लेबलिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ कानपुर या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ इंदौर। तो आप कैसे लोकेट करेंगे ये देख लीजिए। अब अगर हम कानपुर को लोकेट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमें देखना होगा कि कानपुर कहाँ पे है, यूपी में। तो यूपी आप देखिएगा, यूपी आपको तब पता चलेगा जब आप अपने रूम में एक मैप रखेंगे और आते जाते अपना उनको थोड़ा बहुत देखते रहेंगे, आपको सारे स्टेट्स लर्न हो जाएंगे। ओके, तो देखिए पहले यूपी में हम करते हैं कानपुर। यूपी में कानपुर हम वेस्टर्न पार्ट की बजाय ईस्टर्न पार्ट पे लगाएंगे क्योंकि कानपुर यहाँ है। अगर आपने यहाँ लेबल कर दिया कानपुर को तो आपने बेशक यूपी किया है, बेशक आपका स्टेट ठीक है, लेकिन आपकी लोकेशन बिल्कुल गलत है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो आपको यूपी का कानपुर यहाँ थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में कानपुर को प्लॉट करना है। ओके, तो सेकंड हमारी है वो है एमपी में इंदौर। इंदौर देखिए पहले, एमपी देखिए पहले कहाँ पे है, तो एमपी हमारा मिडल में मध्य प्रदेश जो है वो एमपी है हमारा। ये इसके बीच में से आप देख लीजिएगा, पहले गुजरात और सेकंड नंबर पे एमपी में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही होती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पे गुजरात, देन एमपी। एमपी में इंदौर जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप कह सकते हो थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में है यहाँ पे। ओके, इंदौर बहुत फेमस है। इंदौर उसको अभी एक बहुत स्वच्छ भारत के थ्रू सिटी बताया गया था कि सबसे स्वच्छ सिटी हमारा, साफ सुथरा सिटी हमारा यही वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र में मुंबई। अब कई लोग सोच लेते हैं कि मुंबई जो है वो खुद से एक स्टेट है, बट नहीं, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है। अब देखो आप फिल्मों में याद करिए, रिकॉल कीजिए, फिल्मों में क्या दिखाते हैं मुंबई में कि सी बीच दिखाते हैं, समुद्र के पास पास घूम रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा ना कि मुंबई कहाँ होगा। ये हमारा सी है, अरेबियन सी, तो इसके आसपास होगा, तो हम यहाँ मुंबई को लोकेट कर देंगे। ओके, देन मुंबई के बाद आता है गुजरात में सूरत। कितनी फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, गांधी जी के बहुत सारे आपके वो आंदोलन भी यहीं से हुए हुए हैं। तो गुजरात में सूरत, गुजरात ये सारा हमारा गुजरात है, इसमें हम साउथर्न पार्ट में यहाँ पे सूरत को ड्रॉ कर देंगे। ओके, सूरत मुंबई लगभग एक ही लाइन में आएगा, बट वो गुजरात में है और वो महाराष्ट्र में। द लास्ट इज तमिलनाडु में, कौन सा, कोयम्बटूर। तमिलनाडु को रिकॉल कीजिएगा, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ नहीं ना, तमिलनाडु सबसे लास्ट की हमारी स्टेट है और तमिलनाडु में कोयम्बटूर, हम थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में कोयम्बटूर को, ये पहले से प्लांट हो रखा है, वेस्टर्न साइड में नीचे कोयम्बटूर को प्लांट कर देंगे। ओके, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, कानपुर में कौन सा है, यूपी में कानपुर, ये देखिए यूपी, यूपी के अंदर कानपुर वेस्टर्न साइड में, देन एमपी में इंदौर, ठीक है, देन मुंबई में सॉरी महाराष्ट्र में मुंबई, गुजरात में सूरत और तमिलनाडु में कोयम्बटूर। अब ये ध्यान रखिएगा कि हमारे ये एरिया वो था जहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा मिल रही थी, यहाँ भी ब्लैक सॉइल थी, लेकिन यहाँ ब्लैक सॉइल की बात नहीं थी, यहाँ जो है कानपुर में वीवर्स बहुत ज्यादा थे, बहुत पुराने टाइप के ट्रेडिशनल वीवर्स होते थे, इसीलिए वहाँ पे यान वगैरह बनते थे। अदरवाइज मैं आपको बता चुकी हूँ सीरीज में कि हमारे जो यान थे यानी धागा, कॉटन से धागा बनकर अलग अलग सभी जगह पे जाता था, ना कि कॉटन वहाँ उगाई जाती है। होता ये है कि इंडस्ट्रीज वहाँ सेटअप होती है जहाँ रॉ मटेरियल इजिली मिलता है, बट यहाँ रॉ मटेरियल भी इजिली मिलता था और यहाँ जो वीवर्स थे वो भी बहुत ट्रेडिशनल थे, पुराने थे, वो अच्छे से काम कर सकते थे, इसीलिए यान यहाँ से बनकर अपने हरियाणा में, पंजाब में, कश्मीर में कह लो, हिमाचल में, इन सब जगह पे जाता था। ओके, ये हमारी सीरीज अब हो गई है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वीडियो किसी और मिनरल की बनाएंगे। ओके।